योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इस बार भी शपथ लेने जा रहे हैं मेरे साथ। मंत्री जी, मंत्री जी एक बार फिर आपको बधाई, आप प्रयागराज से जीत के आए और सब शपथ लेने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे आज, आप ऐसे कैसे आज के दिन पे क्या कहेंगे सर शपथ लेने? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं और उसको क्रियान्वयन करने के लिए इस प्रदेश के मुखिया कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जो गुंडे माफिया दरोगा को पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करने का काम करते थे, उनको जो भय क्रांत करके रखे थे लोग, आज उनमें भय व्याप्त है और आम जनमानस भय मुक्त हुआ है। तो निश्चित रूप से जिस तरह का सुशासन दिया गया है उसी की देन है। 2014 में देखिए आप, 90 में से 80 में से 73 सीट, मतलब 9-8-72, 90% से ज़्यादा लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया 2014 के चुनाव में। 2017 में भी आज़ादी के बाद पहली बार 325 से ज़्यादा सीट दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाई, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया। उसी का नतीजा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। पुलिस कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, बधाई आपको। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कि एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे और उनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी उन नीतियों की वजह से लोगों ने बीजेपी की सरकार पर विश्वास किया और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP News, लखनऊ।